Egy, egy. और यहाँ जो दे रहा हूँ सनफ्लावर सीड से कुसुम दाना है और धान, बंगाली में तो हम लोग धान कहते हैं, पैडी, वो दे रहा हूँ। और अभी तो दोपहर का वक्त निकल चुका है, सुबह जो दिया था सारे फ्रूट्स, काले चने पानी में भिगो के वो सब दिया था। और अभी 2:30 बजे या आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, 3 बज रहा है अभी। ये जो सीड्स मिक्स है, सनफ्लावर सीड्स, कुसुम दाना एंड पैडी, यही तीन, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा रहता है, मतलब ये हमको बोल रहा है कि मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ, हमको थोड़ा खिलाओ। इसको थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि ये सबका साथ नहीं आते हैं, ये अलग से रहता है। और जब इसको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, मतलब इसको देना है। अगर आपके पास पैरेट टाइप का बर्ड्स है, सुबह तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उन लोगों को देना है, उसके साथ सीड्स देना पड़ेगा। पैरेट टाइप का बर्ड्स ये मैंडेटरी है, कुछ ना कुछ सीड्स आपको देना पड़ेगा। जैसे ये सनफ्लावर सीड्स, ये बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट रहता है इसका अंदर, थोड़ा सोच समझ के देना होगा। जैसे गर्मी का मौसम में ज़्यादा मत दीजिएगा, और धीरे धीरे करते करते आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास मकाओ है, जैसे अफ्रीकन ग्रे पैरेट, इन लोगों को तो हाई फैट कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा बहुत सनफ्लावर सीड्स देना पड़ता है, तो सही रहता है। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स तो हम लोग देंगे, उसके साथ थोड़ा बहुत सीड्स भी हम लोगों को देना पड़ेगा। जैसे अभी तो गर्मी का मौसम थोड़ा सा कम हो गया है, गर्मी है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना बारिश हो रहा है और धीरे धीरे ठंडा का मौसम आ रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो थोड़ा बहुत करके अभी देना होगा। और सीड्स, जैसे सुबह फ्रूट्स खाते हैं मेरे सारे बर्ड्स बहुत शौक से, और दोपहर के बाद जब मैं सीड्स देता हूँ, वो लोग तो और भी ज़्यादा पागल हो जाता है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भी ज़्यादा पसंद करते हैं सारे पैरेट टाइप का बर्ड सीड्स को। सीड्स ज़्यादा पसंदीदा खाना है इन लोगों का। मेरा ओपन एवियरी में जितने सारा बर्ड्स है यहाँ मैंने डाल दिया, और अलग अलग जो केज है जहाँ मैंने सारे ब्रीडिंग पेयर रखे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। बोलूँगा तुम थोड़ा दे दो सारे, बाकी का सारे बर्ड्स यहाँ चले आते हैं, एक साथ मिलके खाते हैं, लेकिन ये मोलक्कन जो है इसको थोड़ा अलग से हमको देना पड़ता है, नहीं तो नहीं खाएगा, वहाँ नीचे नहीं जाएगा, सब जब चला जाएगा उसके बाद ही जाएगा। ये किसी से डरता नहीं है, फिर भी एक साथ खाना पसंद नहीं करता है। और ये है कॉकाटेल, ये तो धीरे धीरे हमको बहुत चाहने लगा है, क्योंकि पहले थोड़ा दूर दूर रहता था। किसी दूसरे बर्ड को खिलाता हूँ, ये जो मकाओ है वहाँ जितना खाना क्यों ना रहे कि चला आएगा, मतलब इनको खिलाना है, और दूसरा जो सारा बर्ड से साइड हो जाता है, दूर चला जाता है। यहाँ इतना सारा सीड्स मैंने डाल दिया है, फिर भी मतलब अपना हाथों से इन लोगों को खिलाना है। सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं ये सनफ्लावर सीड्स, और ये इसमें ऑयल कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है, थोड़ा सोच समझ के देना होगा। बर्ड्स इसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा इन लोगों को हम लोग दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, शरीर हीट हो जाता है हाई फैट कंटेंट खाने से, लूज मोशन भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और बहुत ज़्यादा फैट हो जाने से मतलब अंडा ठीक से ले करना वो भी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों को देना होगा थोड़ा सोच समझ के, उतना ज़्यादा नहीं। और यहाँ जो है लुटिनो मॉन्ग पैराकिट का एक एडल्ट पेयर है, ये बिल्कुल एडल्ट हो गया है, और इन लोगों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअल इसका जो ओरिजिन है वो है ग्रीन मॉन्ग पैराकिट, ठीक है, ग्रीन, जैसे बजीस में होता है ग्रीन बजीस, और वहाँ से म्यूटेड होके बहुत सारा कलर आते हैं, लुटिनो, एल्बिनो वगैरह, इसमें भी ऐसा ही है। मेरा जहाँ तक जानकारी है कि जंगल में, वाइल्ड में ग्रीन मॉन्ग पैराकिट ही उसका ओरिजिन है, मतलब ओरिजिनल जो कलर है, वहाँ से म्यूटेड होके एल्बिनो होते हैं, लुटिनो होता है, लेकिन ब्लड लाइन जब चेंज होता है, जब कोई बर्ड उसका ओरिजिनल जो है वहाँ से चेंज होके दूसरा कलर में आता है,
तभी उनका ब्लड लाइन थोड़ा वीक हो जाते हैं। मतलब ओरिजिन जो है वो जितना स्ट्रांग होता है, जितना इम्यूनिटी पावर उन लोगों का ज़्यादा होता है, इन लोगों का थोड़ा कम होते हैं। और अभी बहुत दिन से यहाँ है लेकिन यहाँ ब्रीडिंग का कोई भी मूवमेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा वहाँ जो है वहाँ ब्लू मॉन्ग पैराकिट का एक कॉलोनी है और मॉन्ग पैराकिट कॉलोनी में ही अच्छा ब्रीड करता है, ठीक है। तो कॉलोनी में वो लोग खुद का घोंसला खुद बनाता है। घोंसला बनाने के लिए हम लोगों को छोटा छोटा नारियल का जो पींच होता है वो देने से क्या करता है, वो सब पींच को लेके खुद का घोंसला खुद बनाता है और अंडा ले करना पसंद करते हैं। और एक ही साथ एक ही बहुत बड़ा घोंसला बनाता है, उसका अंदर 3-4-5 पेयर एक ही घोंसला का अंदर एक ही घोंसला बनाता है, लेकिन उसका अंदर अलग अलग पार्टीशन रहता है। ऐसे ही वो लोग ब्रीड करना पसंद करते हैं। ब्लू मॉन्ग पैराकिट का एक कॉलोनी मैंने बना के रखे है और यहाँ अच्छा खासा मेरा ब्रीडिंग होता है। और लुटिनो मॉन्ग ये थोड़ा वीक ब्लड लाइन का होगा ये सोच के इन लोगों को अलग से रखा था, लेकिन अभी जो देख रहा हूँ ब्रीडिंग सीजन आ गया है, ये लोग बिल्कुल एडल्ट भी हो गया है लेकिन ब्रीडिंग का कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए सोचा कि इन लोगों को पकड़ के उस कॉलोनी का अंदर डालेंगे। लेकिन देखिए एक ही स्पेसीज है मॉन्ग पैराकिट, फिर भी ये कलर थोड़ा डिफरेंट है, तो उन लोगों के साथ थोड़ा लड़ाई भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकेंगे। और जैसे आप लोगों को मैं मेरा बहुत सारा वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जब कोई बार्ड नया बार्ड कॉलोनी में छोड़ते हैं, किसी भी कॉलोनी, मॉन्ग पैराकिट का कॉलोनी तो वो भी कॉलोनी है और यहाँ भी कॉलोनी है, कुछ भी है, जब 5-10 पहले से है वहाँ जब कोई नया बार्ड को हम लोग छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है, सबका बीच थोड़ा लड़ाई वगैरह हो जाता है, थोड़ा झगड़ा होता है, उसके बाद सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं। तो छोड़ने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद उम्मीद करेंगे कि सब मिलजुल के रहेंगे और तभी जाके जल्दी जल्दी मॉन्ग पैराकिट का भी ब्रीडिंग मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। तो अभी पकड़ लेंगे मॉन्ग पैराकिट को, कॉलोनी का अंदर छोड़ेंगे और थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे और आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तो 3:30 बज रहा है लेकिन बादल छाया हुआ है, इसके कारण थोड़ा ज़्यादा अंधेरा लग रहा है और मैंने सोचा यही सही वक्त है पकड़ने के लिए, क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा लड़ाई करने का वक्त उन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। सुबह छोड़ते तो बहुत लड़ाई यहाँ वहाँ होता, बहुत टाइम लगता एडजस्टमेंट होने के लिए, और अभी छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा और सुबह बिल्कुल मिलजुल के एक ही साथ मिल जाएगा सब। और इन लोगों का उतना ज़्यादा डर भी नहीं है, लेकिन खाली हाथ में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा शायद, और नेट लेके नहीं आया क्योंकि नेट लेके आऊँगा तो सारे बार्ड्स डर जाता है बहुत, इसलिए कोशिश करता हूँ अगर नहीं होगा तो तभी नेट का इस्तेमाल करेंगे। और मॉन्ग पैराकिट का जो वीक होता है, जो चोंच होता है बहुत ही शार्प होता है, अगर काट लेगा तो खून निकल जाएगा। नहीं ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ा लेकिन काटता बहुत तेज़ है और ये देखिए काटना चालू है। और दोनों बार्ड बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्ट्रेंदी है। जब पहले इन लोगों को लेके आया था कॉलोनी का अंदर छोड़ा था लेकिन लड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इसलिए सेपरेट कर दिया था। इतना दिन इन लोगों को सेपरेट करके रखा, बहुत अच्छे से इन लोगों का ख्याल रखा, बहुत अच्छे से विटामिन प्रोटीन फूड सीड्स वगैरह जो कुछ इन लोगों का पसंद है खिलाया। अभी बहुत हट्टा कट्टा बन गया है, अभी छोड़ेंगे तो ज़्यादा मतलब ये लोग प्रोटेक्ट करने का शक्ति इन लोगों का अंदर आ गया है। और यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, देखिए कि मॉन्ग पैराकिट अगर आपके पास है तो बहुत तरीके का जो दाल होता है, जैसे मूसर का दाल, मूंग दाल, चने की दाल, सब एक साथ भिगो के मिक्स करके इन लोगों को देना पड़ता है, तभी जाके मॉन्ग पैराकिट मतलब वही इन लोगों का सबसे पसंदीदा खाना है। आपको फ्रूट्स देना है, सीड्स देना है, उसके साथ एक साथ बहुत तरीके का दाल जो होता है, दाल को पानी में जैसे हम लोग काले चने पानी में भिगोते हैं, काले चने भी आप देंगे, उसके साथ 3-4 टाइप का दाल एक साथ पानी में शाम को भिगो दीजिएगा और सुबह वो दाल मिक्स जो हम आपने बनाया भिगो के रखा वही इन लोगों को दीजिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से खाएगा, इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है वो दाल मिक्स। छोड़ेंगे और वॉच करेंगे। कुछ ही दिन पहले तो यहाँ से सारे मॉन्ग पैराकिट का कुछ ब्रीडिंग हुआ था और वो चीक में घर में लेके गया था और हैंड फिट करा के उन लोगों को बड़ा भी किया, तो इन लोगों को सावधानी से यहाँ छोड़ते हैं। और थोड़ा यहाँ
रुकना पड़ेगा, देखेंगे कि ज़्यादा लड़ाई हो रहा है कि नहीं। और उम्मीद करता हूँ अभी तो शाम हो रहा है, उतना ज़्यादा लड़ाई शायद होगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, नारियल का जो पींच होता है, इसको हमने मतलब ऐसे छोटा छोटा करके टुकड़ा करके ऐसे यहाँ डाल के रखते हैं, और वो लोग यहाँ से उठा के वहाँ ले जाके, मतलब उन लोगों का जो जगह पसंद आता है वहाँ जाके घोंसला बनाता है और वहाँ शौक से अंडा ले करता है। ऐसे नारियल का पींच या दूसरा कुछ चीज़ है आपके पास ऐसे इस तरीके का, वो भी आप दे सकते हैं। और दूसरा दाल मिक्स, तीन चार टाइप का जो दाल होता है वो मिक्स करके पानी में भिगो के आपको उन लोगों को देना होगा, तभी जाके आपको अच्छा ब्रीड मिलेगा। और जो विटामिन कैल्शियम जो आप देना चाहते हैं दाल मिक्स के साथ अगर आप देंगे तो सही। और अभी जो देख रहा हूँ इतना ज़्यादा लड़ाई नहीं हो रहा है, सब अलग अलग बैठा है, और फिर भी अभी बाहर निकल जाएंगे लेकिन केज का करीब ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग खड़े हैं अंदर इसलिए शायद लड़ाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा दूर रह के फॉलो करेंगे कि कुछ हो रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी बाहर यहाँ खड़ा रह के थोड़ी देर के लिए वॉच करेंगे, उसके बाद समझ लेंगे कि हाँ ये लोग एडजस्ट हो गया, मिलजुल के रह पाएगा तभी चला जाएंगे। और तो करीब करीब 15-20 मिनट यहाँ वेट किया और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुआ, और अभी देखिए आसपास आके सब बैठ गया, मतलब ब्लू मॉन्ग पैराकिट का एक पेयर यहाँ बैठे हैं और उसका बगल में लुटिनो मॉन्ग पैराकिट का पेयर भी बैठे हैं। थोड़ा तो चल रहा है ईगो, लेकिन बहुत ही थोड़ा, ये देख के मैं गेस कर सकता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा। और अभी शाम हो रहा है, वीडियो को भी ख़त्म करना है। और तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जो सारा फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।